सब्सक्राइब करें हैश खान यूनिक रेसिपीज़ को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज हम यहां पर बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल आलू मसूर की सब्ज़ी, जो ढाबे पर या रेस्टोरेंट में या सब जगह मिलती है। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बेहद लजीज है, बहुत ही टेस्टी है, और आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं लंच में या डिनर में। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई गरम करने को रखी हुई है, तो इसमें हम डाल देंगे तेल, लगभग 4 टेबलस्पून इस तेल हम इसमें डालेंगे, और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, तो यहाँ पर हमने 6 से 7 आलू लिए थे, छोटे आलू, इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए थे छीलकर। आप चाहें तो बड़े आलू लें तो उसको हम क्यूब में कट कर सकते हैं। और आलू को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन आने तक फ्राई कर लें। और आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू को फ्राई करके जब कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब इसी तेल में हम डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, लौंग, इलायची और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे, स्लाइस में कटा हुआ एक प्याज हमने लिया था, एक बड़ा प्याज हमने लिया, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। प्याज देखिए फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसको भी हम चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे प्याज के साथ। तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, पाउडर मसाले। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आपके घर में जो मसाले होते हैं नॉर्मल मसाले, उसी से ये सब्ज़ी बन जाती है, अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे सूखे मसालों को भी हम अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छी तरीके से भून लें। और इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर मोटे स्लाइस में कटा हुआ, और मसालों के साथ हम इसे चलाते हुए भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें हम नमक भी डाल देते हैं, जब टमाटर डालें तो नमक डाल दें तो इससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छे से गल जाते हैं। और यहाँ पर हमने लगभग 1 कप खड़ी मसूर ली हुई थी, इसको हमने आधे घंटे पहले भिगो दिया था पानी में, आधे से 1 घंटे पहले इसे भिगो दें पकाने से पहले। और टमाटर और मसूर को हम एक साथ पकाएंगे ताकि मसूर थोड़ा सा पक जाए। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं 1/2 कप। इसे हम ढककर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल गए हैं। और इसमें हम आलू भी डाल देंगे फ्राई किए हुए, और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अभी मसूर पका नहीं है बिल्कुल भी, और आलू भी आधे कच्चे ही हैं, तो इसे ढककर हम लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पक चुकी हैं। इसे हम मसूर को चेक कर लेते हैं, अभी थोड़ी सी पकना बाकी है, और आलू भी अभी अच्छी तरीके से पके नहीं हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
लगभग आधा कप पानी और डाल देंगे। आप इसे चेक कर लें ज़रूर कि मसूर गला है या नहीं, और आलू भी चेक कर लें, फिर इसे में पानी डालें। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं, लगभग 5 से 6 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, जब तक कि मसूर और आलू अच्छी तरीके से गल ना जाए और पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है और आलू और मसूर भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं, हमने चेक कर लिया है। और इसमें हमने डाल दिया बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और अच्छी तरीके से इसे चला लें ताकि पानी अच्छी तरीके से सूख जाएगा। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और गैस को हम बंद कर देते हैं और चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हमारी आलू और मसूर की सब्ज़ी बनकर तैयार है ढाबा स्टाइल। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ये आलू मसूर की सब्ज़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।